विदेश राज्य मंत्री भी यहाँ पर कल रहेंगे, जब पूरे फर्स्ट लेडी यहाँ पर पधारेंगे। गत वर्ष 18 अक्टूबर को संपन्न हुआ था, उसकी जो सफलता थी और उसके प्रति लोगों का जो एक भाव था, उस बात को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये भगवान राम की भूमि है और लंका विजय के बाद भगवान राम यहाँ पर पधारे थे, उनकी वापसी के समय जो उत्सव मनाया जाता वही दीपावली का पर्व है, उसको मूर्त रूप फिर से देने के लिए ये सब प्रयास किए जा रहे हैं। और धार्मिक पर्यटन भी यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियों के चलते आज यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है। इसमें 3000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, 500 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में रहेंगे, यहां तक कि खुफिया एजेंसी को भी हाई अलर्ट में रखा गया है। एक सेंट्रल टीम CVCID की यहाँ मंगाई गई है। अगर सूत्रों की माने तो एक तरह से चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो या कोई भी स्थान हो, वहां पर खुफिया पुलिस नजर आएगी, कभी चाय पिलाते हुए तो कभी पीते हुए, ताकि कोई भी व्यवधान या विघ्न उत्पन्न ना होने पाए पूरे कार्यक्रम में। अयोध्या से दिनेश मिश्रा की रिपोर्ट।